हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में। यदि आपका सपना है इंडियन आर्मी में भर्ती होने का, तो ये सपना चैनल द्वारा, हमारे चैनल द्वारा आपको पूरा करवाया जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। इसमें एक नहीं फ्रेंड्स, कम से कम 200 से 400 वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ केवल इंडियन आर्मी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। अगर क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जा चुका है, आप ज़रूर जाके PDF को भी डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले 10 वर्षों में किसी न किसी तरह जो है ना, ये इंडियन आर्मी के GD के पेपर में हर बार पूछा जा गया क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस और रिवाइज करने हैं, और इसमें बताना है मुझे कि इसमें आपका जो है ना कौन सा करेक्ट हुआ है और कौन से क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चंस में से कम आपको 15 का स्कोर करना है। लास्ट वीडियो में आपको बताना है कि आपने कितने सही किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, 9 अगस्त, 15 मार्च, 15 मार्च, 29 अगस्त और 10 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए होता है। आपको मैं बता देता हूँ, विटामिन डी होता है। ये आपको खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए होता है। विटामिन सी किस चीज़ में अधिकतर पाया जाता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, खट्टे चीज़ों में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिस प्रकार नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन डी की बात करें तो आपको विटामिन डी धूप से मिलता होगा। विटामिन D3 की बात करें, D3 जो होता है उसमें आप जो है ना फिश जो होते हैं ना, ब्राउन फिश उसको खाने से विटामिन D3 प्राप्त होता है। विटामिन D3 जो है ना बेसिकली आपके माइंड से रिलेटेड होता है। वो माइंड में आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो विटामिन D3 उसको सॉल्व कर लेता है। विटामिन D2 की बात करें तो उसी का भी प्रकार कुछ इसी प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, दलवीर सिंह, अमित शाह, अरुण जेटली और अजीत कुमार डोभाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अजीत कुमार डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। ये क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बस वही लेके आया हूँ, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा नहीं डाले हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहलाती है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं। एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो एक रुपए के जो नोट में वित्त सचिव का हस्ताक्षर किया जाता है। किसका, वित्त सचिव का हस्ताक्षर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केचुए में कितनी आँखें होती हैं। तो केचुए में आपको मैं बता दूं, केचुए में कोई नेत्र नहीं होता। तो आप बताओगे कि सर, जब नेत्र ही नहीं होता तो वो चलता कैसे है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, वो अपने शरीर के मुकाबले वो रेंगता है। हैंजा रोग किसके कारण होता है फ्रेंड, तो हैजा जो रोग होता है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और फंगस के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, आपको मैं बता दूं, ये गंदगियों से होता है, ये जीवाणु बैक्टीरिया के कारण ये हैजा रोग होता है। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ है 1576 ईस्वी में, वो किनके बीच हुआ था। चार ऑप्शन देखिए, अकबर और महाराणा प्रताप, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और हुमायूं एवं राणा सांगा के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन जो है ना किस स्थान पर दिया था। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ होता है उपदेश देना, तो ये जो उपदेश इन्होंने दिया था सर्वप्रथम, इन्होंने कहाँ पर दिए थे। आप धर्मचक्र प्रवर्तन देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये कौन सा टॉपिक दे दिया मैंने तो इसको पढ़ा भी नहीं था, इसके जगह पर मैंने उपदेश पढ़ा था। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही वस्तुएँ हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन अर्थात उसने जिन्होंने जो धर्म का प्रचार किया था, या उनके उन्होंने धर्म का जो उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था, ये सारनाथ में दिया था। ठीक है,
किस देश के को अब पहले निप्पन के नाम से भी जाना जाता था? तो फ्रेंड्स जापान को निप्पन के नाम से जाना जाता था। देखिए आपको मैं बता दूं, पटना को जिस प्रकार पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार निप्पन को जापान के नाम से भी जाना जाता है। मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? फ्रेंड्स तो जो हृदय होते हैं ना, उनके कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं? प्रकोष्ठ का अर्थ होता है कितना भाग होता है, तो 3 भाग होते हैं मेंढक के हृदय में। लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो लाख बख्श जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, लाख बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की जो पुण्य भूमि है, तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? फ्रेंड तो 4 ऑप्शंस देखिए, सूरत, रायपुर, नागपुर और अहमदाबाद। अहमदाबाद को ही मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो भारत का जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम है? तो देखिए फ्रेंड्स 4 दर्रों के बारे में बताता हूँ, आफिल दर्रे, बनिहाल दर्रे, नाथुला दर्रा और पालघाट दर्रा। तो नाथुला दर्रा जो है आपका सिक्किम में पड़ता है, ये एक दर्रा है जो बेसिकली सिक्किम में पड़ता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो देखिए आप गलती मत करके आइएगा, यकृत मत लिख के आइएगा ये, क्योंकि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ना कि ये सबसे बड़ा अंग। सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है, ठीक है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा अंग या सबसे बड़ा जो है लंबाई है, लंबाई में सबसे बड़ा जो अंग कौन सा है, तो वो आपका फीमर हो जाएगा। फीमर जो कि जांघ की हड्डी, इसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगे ट्यूटोरियल हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही GD के क्वेश्चन पेपर पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये फ्रेंड्स आपका पार्ट 2 था, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसका मैं आपको जैसे करके उसके जैसे तैसे करके इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट बनाने के बाद इसको आराम से आप चेक इन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।